हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा बेटा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपके लिए एनवायरनमेंट की क्लास लेकर के आता हूँ, उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर के प्रेजेंट हो गया हूँ। तो पेन पेंसिल बुक नोटबुक लीजिएगा और बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए। आपके सर आपको पढ़ाने के लिए आ गए हैं, एक सेकेंड भी देरी नहीं करना है। जैसे ही क्लास आपके पास आती है तो पढ़ना शुरू हो जाना है। आपको पता है बेटा, हमने 7th चैप्टर कल की क्लास में पूरा कर लिया था। 7th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए थे और आज हम 8th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? तो नंबर 8 वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है? चैप्टर नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है लिविंग यूनिक वर्ल्ड, UNI QUE, UNIQ, WORLD, World of Living Organism, of LIVING, Living, ORGANI, SMS, Organisms। हिंदी मीन्स क्या होता है? यूनिक्यू का मीन्स अद्भुत होता है, वर्ल्ड संसार, ऑफ का लिविंग यानी सजीव या जीवित, और ऑर्गेनिजम्स यानी जीवों। ऑर्गेनिज्म होता है जीव और ऑर्गेनिजम्स होता है जीवों। तो क्या है? अद्भुत सजीव जीवों का अद्भुत संसार या अद्भुत दुनिया। क्या लिखोगे हिंदी मीन्स? जीवित लिखूं या सजीव लिखूं? सजीव ही लिख देता हूं, सजीव जीवों का अद्भुत संसार। क्या है चैप्टर का नाम? सजीव जीवों का अद्भुत संसार, ये वाला चैप्टर है। पर आज हम क्या करेंगे, आपको भी पता है कि हमारी जो पहली क्लास होती है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें हम या तो इंट्रोडक्शन करते हैं या फिर स्पेलिंग्स लिखते हैं, ठीक है ना। तो आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की स्पेलिंग्स लिखेंगे। तो मेरे साथ साथ में ही लिखना है, इसीलिए बुक नोटबुक लेकर ही बैठना है, नोटबुक लेकर ही बैठना है। और मेरे साथ साथ में जो भी मैं स्पेलिंग्स आपको करवाता हूँ वो स्पेलिंग बेटा नोट करते जाना है, ठीक है ना। स्पेलिंग लिखो तो फिर पहली स्पेलिंग यही लिखना, UNIQUE। यूनिक्यू का मीन्स होता है अद्भुत भी कह सकते हैं और अनोखा भी कह सकते हैं, या तो कह दो अद्भुत या अनोखा। एंड देन नेक्स्ट सेकेंड स्पेलिंग लिखना, वर्ल्ड का मीन्स आपको पता है, लिविंग का मीन्स आपको पता है, ORGANISM ये होता है ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म होता है जीव। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो जीव होता है। फिर लिखो आगे, SEVERAL शौरल का मीन्स होता है अनेक या कई, या तो कह दूं कई या अनेक। फिर लिखना क्रिएचर, लिखना CREATURE क्रिएचर, और क्रिएचर होता है प्राणी। क्या होता है क्रिएचर? प्राणी होता है। फिर देखिएगा आगे, और आगे लिखिएगा देयर का मीन्स उनकी, ओवन का मीन्स आपको पता है स्वयं या खुद होता है, स्पेशल का मीन्स विशेष होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षण या विशेषताएं। तो लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERISTIC कैरेक्टरिस्टिक, और कैरेक्टरिस्टिक होता है या तो लिख दो लक्षण या लिख दो विशेषता, दोनों ही होते हैं, लक्षण या विशेषता। फिर आगे लिखिएगा प्रोटेक्ट का मीन्स, प्रीवियस चैप्टर में लिखा था, बार बार नहीं लिखवाऊंगा। प्रोटेक्ट का मीन्स सुरक्षा होता है। देखो एक होता प्रोटेक्ट सुरक्षा, एक होता प्रोटेस्ट,
उसमें होता है प्रोटेस्ट यानी विरोध होता और प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा, लिख दीजिएगा शायद उसमें प्रोटेस्ट थी, PROTECT, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट होता सुरक्षा, क्या होता है सुरक्षा। फिर आगे देखिएगा, आगे लिखिएगा अवेलेबिलिटी, AVAILITY, अवेलेबिलिटी, और अवेलेबिलिटी होता है उपलब्धता, उपलब्धता। अवेलेबिलिटी क्या होता है, उपलब्धता होता है। फिर लिखो आगे बैट, बीटी बैट, बैट बल्ला नहीं होता बेटा, बैट होता है चमगादड़ होता है, क्या होता है बैट, चमगादड़ होता है बैट। एंड देन आगे R O O S T E R, रूस्टर, और रूस्टर होता है मुर्गा, क्या होता है रूस्टर, मुर्गा होता है। फिर लिखा हुआ है स्निफर डॉग, SNIFFER DOG, क्या है स्निफर डॉग, स्निफर डॉग क्या होता है, SNIFFER BOG, ये होता है स्निफर डॉग, और स्निफर डॉग होता है जासूसी कुत्ता, जासूसी करने वाले कुत्ते होते हैं ना, उसको जासूसी कुत्ता कहते हैं, स्निफर डॉग को, स्निफर डॉग को क्या कहते हैं, जासूसी कुत्ता। फिर देखिएगा आगे एंट्स का मीन चिट्टियां होता है, फिर लिखो इंटेंस, INTENSE, इंटेंस, इंटेंस का मीन तीव्र या जल्दी या तेज, कुछ भी कह सकते हैं। फिर होता है डिटेक्टिव यानी पता करना, DETECTIVE, ये सी है ठीक है ना, डिटेक्टिव, डिटेक्टिव होता है पता करना, क्या करना, पता करना, जासूसी करना, ठीक है ना, उसको कहते हैं डिटेक्टिव। फिर उसके आगे मिशन का मीन्स आपको पता अभियान होता है, फिर लिखना सीक्रेट, SECRETE, सीक्रेट का मीन्स होता है स्त्रावण करना, श्रावण करना, या कह सकते हैं निकालना, कह सकते हैं निकालना भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ऑडोरस का मीन्स क्या होता है, ऑडोरस सब्सटेंट, ऑडोरस सबेंट सब्सटेंस होता है, कोई ऐसी गंध होती है ना, वो सुगंधित पदार्थ कह सकते हैं। फिर लिखिएगा पॉइजनस सब्सटेंस, तो पॉइजनस क्या होता है, POISONOUS, पॉइजनस, जहर, पॉइजनस क्या होता है, जहर होता है, तो पॉइजनस हो गया जहर। उसके बाद में लिखिएगा
नेबरहुड आपको पता पड़ोस होता है, नेबरहुड क्या होता है तो पड़ोस होता है। फिर लिखो नर्वस, NERVOUS, नर्वस क्या होता है, बेचैन होता है, नर्वस क्या होता है, बेचैन होता है। फिर लिखा हुआ है बार्किंग मींस भौंकना, BARKING, ये होता है बार्किंग, और बार्किंग होता है भौंकना। बार्किंग क्या होता है, भौंकना। फिर लिखना स्ट्रेंजर्स, STRANGERS, स्ट्रेंजर्स होता है अजनबी, अजनबी कह सकते कोई बिना जानकार का, अपरिचित होता है ना, जिसको हम जानते नहीं है, कोई अजनबी आदमी, उसको स्ट्रेंजर्स कहते हैं। फिर लिखो ओवरवेल्म्ड, OVERWHELMED, ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मीन्स होता अभिभूत या अपरिहार्य भी होता है। इसके बाद में एक स्पेलिंग और लिख देना, अभी हमारे पास में थोड़ा सा टाइम है, इसके लिए आगे की स्पेलिंग लिखेगा SUDDELY, SUDDELY, ये होता है सडनली, और सडनली होता है अचानक, सडनली क्या होता है, अचानक होता है, ठीक है ना। अब पहले काउंट करो, देखो कितनी स्पेलिंग हुई है, अब काउंट कीजिएगा स्पेलिंग कितनी हो गई, तो 3, 3 और 3, 9 इधर है और 10 उधर है, तो 9 और 10 कितना हुआ, 19 स्पेलिंग हो गई है। तो आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में यही करना है, SW में क्या करना है, यही सारी स्पेलिंग्स आपको नोट करना है अच्छे सुंदर अक्षरों में, ठीक है ना, यही आपको होमवर्क में नोट करना है सारी स्पेलिंग्स। बाकी और बची हुई है बहुत सारी स्पेलिंग्स, वो बेटा कल की क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो अब आपसे विदा लेता हूँ, कल वापस लौटता हूँ, तब तक के लिए बेटा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।